भारत के सुमित अंतिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड अपने नाम कर लिया है। सुमित ने फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 68.55 मीटर का थ्रो किया और गोल्ड मेडल जीता। लेकिन गोल्ड जीतने से पहले का सफर सुमित के लिए इतना आसान नहीं रहा। रोड एक्सीडेंट में अपना एक पैर गंवाने वाले सुमित रामजस कॉलेज के छात्र रहे और वो दुर्घटना से पहले पहलवान थे। दुर्घटना के बाद उनके बाएं पैर को घुटने के नीचे से काटना पड़ा। उनके गांव के एक पैरा एथलीट 2018 में उन्हें इस खेल के बारे में बताया। कृत्रिम पैर के कारण शुरू में उन्हें काफी मुश्किल हुई, जिसमें दर्द के साथ ब्लीडिंग भी होता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और डटे रहे। भारतीय सेना में JWO अधिकारी के बेटे अंतिल पटियाला में 5 मार्च को एक सीरीज में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के खिलाफ खेले थे, जिसमें वो 66.43 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सातवें स्थान पर रहे थे, जबकि चोपड़ा ने 88.07 मीटर के थ्रो से अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। अंतिल ने दुबई में 2019 विश्व चैंपियनशिप में F64 भाला फेंक कर स्पर्धा में रजत पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अपने फाइनल में बेहतरीन फॉर्म में थे। सुमित ने एक के बाद एक 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। पहले उन्होंने 66.95 मीटर दूर भाला फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर अपनी दूसरी ही कोशिश में 68.08 मीटर के स्कोर से अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सुधारा। पांचवी कोशिश में इससे भी बेहतर परफॉर्म किया। 68.55 मीटर के स्कोर के साथ वे गेम में सबसे आगे निकल गए। उनके इस परफॉर्मेंस को लेकर खुद जावलिन में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि खतरनाक परफॉर्मेंस सुमित भाई, प्राउड ऑफ यू। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए देश को आप पर गर्व है, बधाई हो, और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर भी कहा है। बता दें, सुमित के यहां तक पहुंचने का श्रेय जाता है उनके कोच वीरेंद्र धनखड़ को, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। कोच वीरेंद्र खुद ही सुमित को साई सेंटर से दिल्ली लेकर पहुंचे, जहां सुमित को साल 2018 में एशियन चैंपियनशिप में 5वीं रैंक मिली। वहीं साल 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इस साल हुए नेशनल गेम्स में सुमित ने गोल्ड जीतकर खुद को साबित कर दिया कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी जज्बे के आगे छोटी पड़ जाती है। और अब टोक्यो पैरालंपिक में सुमित ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है।